फिर भी कराची शहर में बहुत सारी ऐसी बातें जो है आम हो गई हैं कि पोलियो वाले जो आ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हवाले से बात हुई है, तो जो टाइफाइड की वैक्सीनेशन है उसकी बाकायदा रिसर्च हुई है और उसके टेस्ट भी हुए हैं। और अभी तकरीबन जो स्कूलों की जैसे औरंगी डॉन में एक स्कूल है उसकी तरफ से एक बात आई थी और खुद इस बात की तरकीब उन्होंने खुद भी कर दी है अपने वीडियो कॉल में कि ऐसा कुछ नहीं था, बच्चे एंग्जायटी का शिकार हो गए थे। और उसके साथ साथ बच्चों को जब खौफ होता है कि कितने छोटे बच्चे होते हैं उनको इंजेक्ट करते वक्त खौफ होता है कि मुझे इंजेक्ट किया जा रहा है, तो लिहाजा मैं यहाँ एक बात कहूँगी कि तमाम स्कूल ऑनर्स और तमाम स्कूल के जो है बच्चे उनके वालदैन इस बात को महसूस करें कि आपके बच्चों की हफाजत के लिए आपके बच्चों की सेहत के लिए तमाम चीज़ें जो तदाबीर की गई हैं वो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से इस बात के बारे में आता किया गया है कि तमाम इलाका जो हमारे नॉर्थ कराची हैं जो एरियाज हैं उनके जितने भी लोग हैं वो उस पर काम कर रहे थे उनको काम करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि हमारे तमाम जो कारकुन हैं और जो काम कर रहे हैं इसको जो डॉक्टर्स भी आए हुए थे इन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना साइड इफेक्ट्स हैं इसके और ना ही कोई बच्चा बीमार ऐसा हुआ कि इसके बारे में कहा जाए कि वो हॉस्पिटलाइज हो चुका है। लेकिन ये ज़रूर है कि बच्चे जब घबरा जाते हैं एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं और उनको जो है खौफ की वजह से ये कभी या तो उनको वोमिट आ जाता है या कभी उसको बुखार हो जाता है, तो ये एक अलामत है। कभी भी कोई भी इंजेक्ट करते हैं आपको याद होगा कि छोटे बच्चे जब बॉर्न बेबी होते हैं तो उनको भी टीके लगते हैं, उन टीकों में भी ये तकलीफ होती है कि हाथ फूट जाता है या फिर उसमें जो है आप फॉलिंग जाती है तो उसको आप बाकायदा आइसिंग करते हैं, उसको आइसिंग से वो कम हो जाता है। तो इस तरह से तमाम मामला ऐसे हैं कि आपके बच्चे आपकी निगाह में होते हैं और आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपके बच्चों को पोलियो से भी पास करना चाहिए और जो अभी टाइफाइड की जो वैक्सीन चल रही है इसको आप जरूर लगवाएं। और हमने खुद अपने स्कूल में भी बहुत गर्व स्कूल से बात करनी है और मैंने खुद अपने बच्चों को लगवाए और अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बच्चा कोई बीमार हो गया हो या किसी को एंग्जायटी का शिकार हो गया हो। और मेरे तरीके जितने भी मैं स्कूल ऑनर से ये कहूँगी क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है एसोसिएशन से है, यूनाइटेड पेरेंट्स स्कूल एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक है, मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ और मैं जरूर कहूँगी कि तमाम स्कूल ऑनर्स इस बात को जो है यकीनी बनाएं कि अगर आपके पास कोई टीम आती है तो आप उनको जो है एक्सेप्ट करें और अपने पेरेंट्स को बाकायदा आगाही दें और उनको ये बताएं कि ये बहुत ज़रूरी है और ये बच्चों के लिए काम ऐसा है कि सेहतयाबी के लिए अलामत है कि आप टाइफाइड से पाक रहेंगे। तो मैं तमाम ऑनर्स से कहूंगी कि आप तमाम कोशिश करें कि ज्यादा कोशिश करें और पेरेंट्स को मैं कहूंगी वो अपने आप को एग्री करें कि ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है और इसकी मेडिसिन आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें कोई मामला नहीं है। थैंक यू।